Hey, what's up guys, welcome back to the new video. Hope so you are doing absolutely good. So guys, Big Boss कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन भाई मुझे भी टाइम नहीं लग रहा था इस पे रिएक्शन करने के लिए बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट के ऊपर. एंड नेहा भी नहीं थी तो साथ में हिम्मत भी नहीं पड़ती थी. जब फ्री टाइम है ना मेरे पास, तब भी हिम्मत नहीं पड़ती थी, आज भी नहीं बनानी थी. बट काफ़ी दिनों से मेरे को वीडियो सजेस्ट हो रही थी और अपने भाई प्यारे सब्सक्राइबर्स भी सेंड करे जा रहे थे रजत दलाल की वीडियोस, और मेरे को भी इनकी वीडियो शो हो रही थी रजत दलाल भाई की. और कुछ भी नहीं देख रहा था कि जिसमें दम है जो कंटेस्टेंट मेरे को लगा कि भाई लड़ने लायक है, या रजत दलाल हो गए या इनके साथ क्या नाम है उनका, विवियान शायद है ना, और एक और है शहजादा कुछ, मेरे को उनके बारे में पता नहीं है कुछ भी ज़्यादा. रजत दलाल के बारे में तो चलो पहले भी पता था ना, जानते ही थे सोशल मीडिया के ऊपर. सो फिलहाल इसको देखते हैं. रजत दलाल के कुछ अमेजिंग से एटीट्यूड वाले मोमेंट्स मैं इकट्ठे करके लाया हूँ कुछ. सो फिलहाल वो देखते हैं भाई. रजत दलाल की जो बोलने का तरीका भाई, वो बड़ा अलग तरीका. बंदे का दिमाग भी है, साथ में गेम प्ले भी है, साथ में बॉडी भी है, सब कुछ ही भाई साथ साथ में, साथ में जिगरा भी है. सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं. एंड अगर आप इस वीडियो पे प्यार करोगे डेफिनेटली मैं रिसर्च करके और ज़्यादा रजत दलाल की वीडियो लेके आऊँगी आऊँगा सॉरी भाई आऊँगी हो गया, आज तो मीम बनने वाला मेरा भी. तो दूसरी बात ये है कि इसकी वीडियो लेके आएंगे रजत लाल भाई की. एंड अगर आपका कोई और फेवरेट कंटेस्टेंट है जिसके आप चाहते हो मैं वीडियो पे रिएक्शन करवा दे, तो वो भी जरूर कमेंट करके बताना गाइस. सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और अगर किसी को लगता हो ना इसका हिमायती है, कितने बड़े क्रिमिनल हो तेरे, कितने बड़े बहन के लोड़े गैंगस्टर हो तू, तेरी गांड तक का जोर लगवा ले, तू झाट का भालू फड़वा के दिखा भाई क्या बात है. हमें तो फ्यूचर में आपका चैलेंजर दिख रहा है, चैनल का लाडला कोई दिक्कत नहीं है भाई उसके साथ, हम रहेंगे अपने टोर में भाई क्या बात है. कोई हो कहीं से हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. आप किसी चीज पे जजमेंट तो तब ड्रॉ करेंगे जब आपके पास उसका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगा. भाई रही बात एक्सपीरियंस की, देखो उसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, निकल के मम्मी पापा से ही पूछूंगा कि मैं एज में इनसे कम क्यों. लेकिन आपको भी दलाल साहब 8 का पेशेंस दिया है, इसको 9 दिया है, मतलब पेशेंस लेवल हाई है. भाई मेरे हिसाब से मेरा यहाँ पे आके 100 हो चुका है. मेरे जो मन में बात होती है मैं मेरे बूपे रखता हूँ. करेक्ट बात. और सामने बोलने की आज की तारीख में इस घर में हिम्मत रखी. बहुत बहुत अच्छी बात भाई. सलमान खान भी पूरा का पूरा इम्प्रेस्ड है रजत दलाल जैसी बात नहीं है भाई. अगर कोई लड़का किसी तरह से वॉयलेंट हो रहा है या फिजिकली ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें बीच में पड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, बाकी अगर लड़की लड़की है तो मैं नहीं आऊंगा. मेरे से क्या रहा भाई साहब, ये फोन है और मैंने कैमरा चला रखा है और ये ऐसी चीज वाला है. मेरे पास राइट है, आप मना नहीं कर सकते, मना मेरे पापा भी नहीं कर सकते, आप तो पुलिस वाले हो भाई. मना मेरे पापा भी नहीं कर सकते, आप तो पुलिस वाले हो भाई. पुलिस वालों के सामने फुल ऑन एटीट्यूड रजत दलाल. टीवी सीरियल में भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, आ जाओ. मैं रियल में नहीं रहता, रियल में रहता हूँ. तेरी तरह ना फिक्शनल चीजें नहीं करता, असल में चीजें करी है. भाई देखो जिसके हाथ में कंट्रोल आएगा, जब जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे. सबकी बात अपनी है. हाँ तो कर लेना रिस्पॉन्स, हाँ, फिर मेरा रिस्पॉन्स भी आएगा. सबका आएगा भाई, या किसी का लेके कोई नहीं खा रहा. तुम जाकर रहे हो स्टाइलिस्ट ऐसे बोल के निकलते हैं, फटी पट्टी में रहते हैं, चौड़े बनते हैं, एक्टिंग करके चार बार निकल जाते हैं ऐसे लोग. रियल बेस्ड बातें भाई. सलाखों के पीछे जो रहेगा वो इस घर का बेसिक सर्वाइवल राशन नहीं रोक सकता. सुबह से कहाँ थे. मेरे ख्याल से गाइस यही आएगा ना टक्कर वाला. अब मेरे को नहीं पता ये विवेन है या शहजादा कोई भी है, मैंने तो ये नाम सुने हैं कि इनके साथ अजीत की बीफ रहती है, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता. अभी तक फर्स्ट वीडियो है मेरी, अभी मैं देखने लगा हूँ. फिलहाल जो भी चीज़ें होंगी या जो भी मिसकंसेप्शन होंगे मेरे, वो आप सभी क्लियर कर ही देना मेरे को साथ साथ में, और बाकी पता भी लगता रहेगा है ना जैसे जैसे देखेंगे. नहीं कर पाएगा. जो चीज बोली खाने की जायज है, पर अगर गैस चलाना बंद है और आप बोल रहे हो ना कि मैं चलाऊंगा, तो आप चला के दिखा देना. चला के मैं दिखा दूंगा यहाँ. हर बार की तरह इस बार भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होगी, वाइल्ड कार्ड नॉलेज भी होगी, मगर इस बार कुछ अलग होगा. हर बार वाइल्ड कार्ड शो के बीच में एंट्री मारता है, मगर इस बार वो शो के शुरुआत में ही एंट्री कर रहा है. तो इस वाइल्ड कार्ड कंटेस्ट का नाम है लॉरेंस विश्नोई.
इनका मुकाबला बाकी घर वालों से नहीं बल्कि इस शो के होस्ट से है। मगर ये क्या होस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, एटलस पहाड़, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन इस रेगिस्तानी भट्टी में आप इतना फासला तय नहीं कर सकते, आपको अपने खोजे जाने तक जिंदा रहना होगा। भाई क्या क्या बनाते हैं मीम पेजेस वाले, भाई क्या चीज बना रही है मत से। घबराना नहीं, शर्म करो, शर्म करो। क्यों शर्म करूं, तेरे घर का लेके खा रहा हूँ। हाँ, तो मैं तेरे घर का लेके खा रही हूँ क्या? बता दियो जब चाहिए भिजवा दूंगा। मुझे भी यही लगता है कि सबसे बड़े एक्टिंग बाज, सबसे बड़े कॉमेडियन तो तुम ही हो इस घर ना। कुछ तो कर रहा हूँ। मैंने गिरते हुए देखा, गिरी अपनी गलती से गिरी, मैंने आके नहीं गिराया। गिर गई तो गिर गई ना, चोट लगी ना, मैं सहानुभूति देने नहीं हूँ, लेनी है तो कहीं और जाके ले। और मैं गिर गई और तुम कितना मजाक उड़ा रहे हो, जब देखो तब तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, जब देखो तब तुम बदतमीजी करते रहते हो। बंदर अपने स्टाइल चल रहा है। सुनो सुनो, बंदर की एक प्रजाति होती है जिससे आप आए हो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, भाड़ में जाओ, मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया। आप मेरे को बोल के तो दिखाओ, घर में 17 के 17 खड़े होके बोल के तो दिखाओ। फाड़ दो क्या फाड़ोगे, सारे मिलके भी रजत को फ्यूचर टाइम गॉड बनने के लिए प्रेजेंट टाइम गॉड आरफीन से लड़ना होगा। तो हम मारना कह रहे हैं, मारना कहाँ पे भाई, हर जगह मारने की बातें आती है भाई। एक OTT3 OTT2 भाई रजत भाई के लिए मैं सिस्टम बैग रखना है, जैसे पहले रखा है इसके सीजन में भी, मेरे सीजन में भी। और ट्रॉफी भाई इस बार पक्का लेगा, ट्रॉफी इस बार ही हरियाणा है। ECL जीते हम, ये वाला भी जीते। क्यों का मतलब होता है पूछना, क्यों क्या बोला उन्होंने। सुन एक मिनट, रुक एक बारी, तू अंदर भिड़ सकता ना बाहर भिड़ सकता, बाहर तेरी औकात नहीं, और अंदर आके देख ले। मेरा पहला नाम रजत है, बहुत इम्पल्सिव है, रहेंगे। आज जो था वो मस्ती था, मस्ती अपने घर में करा करो, अपने घर वालों को। हमारे साथ मस्ती डायरेक्टली मैंने रजत से ही पूछा कि आप क्या करते हैं, कि मुझे पता है कि ये जो भी इसके मन में है ये आदमी बोलेगा। डॉक्टर गुणरतन सदावर्ते, आई एम एडवोकेट। डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, बस ये सही बात की है ना, डॉक्टर हो या एडवोकेट हो। तेरे जैसे ना आगे पीछे नाचते हैं अगर बाहर होते, पर बात बाहर की शौक नहीं, नाच के देखने का ही शौक है। हाँ, नाच के दिखाना, देखने का शौक है, नाच के दिखाना। कोई हो कहीं से हो, हमने चांद नचवाने वाले हैं भाई। मत, नहीं नहीं नहीं, मत जाओ, बैठो बैठो, मेरे पास आ जाओ, ज्यादा भी आया। नाच के दिखाना, देखने का शौक, नाच के दिखाना। कोई हो कहीं से हो, मैं डोंकू से मिलकर आती हूँ। मत, नहीं नहीं नहीं, मत जाओ, बैठो बैठो, पता क्या वो इस टाइम होते हैं। कुछ भी नहीं है, जीरो। तो बोल, तो मुंह पे बोल क्या हुआ, जीरो, कुछ नहीं कर सकता वो, ना कुछ करेगा। करने वाले ऐसे होते हैं सब। मेरे पे छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं यार। एक फोन आएगा, इसे पता नहीं है मैं हूँ किसके साथ, क्या बोल दूंगा, डोलेंगे एक एक की। नमस्ते राजा जी, मम्मी पापा मार्केट चले गए, मैं गाड़ी निकालने गया, तो जैसे ही मैं निकाल रहा था वहीं से एक साधु आता है कि पहलवान तेरा भला हो, तो मैंने कि तू रुक भाई। उसने अपने साथ वाले दो बंदे और घर में बुला लिए, तो मेरे घर में तीन बंदे थे, तो मैंने मेरा गेट अंदर से बंद करा। ये बात मेरे ख्याल से गाइस वो है ना, कि जब रजत के घर पे वो तीन साधु आए थे, उन्होंने उनसे वो पढ़वाए थे ना गायत्री मंत्र, बोलो या हनुमान चालीसा, उनको नहीं आती थी और रजत ने मारा था उनको, फिर है ना कुछ ऐसी थी ये वाली, शायद वही बता रहे। उसको लॉक करा घर में, हम चार लोग थे, मैं और वो तीन, हथौड़ा मेरे हाथ में था, मैंने कि प्यार से एक बारी हनुमान चालीसा सुना दो, तो उनको हनुमान चालीसा आती नहीं थी, मैंने कि चलो गायत्री मंत्र सुना दो, उनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता था। नहीं, फिर आपने उनको सिखाया, मतलब मारे थे, मतलब बाद में पुलिस ने भी तीन कंप्लेंट आई थी, पर अब देखो मार पिटाई वाली चीज अलग है, पर ये चीज तो झेलने वाली नहीं है ना।
गाइस ये थी वीडियो और ये थे रज्जत दलाल के कुछ एटीट्यूड या ठग लाइव वाले मोमेंट्स। और आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है बीट ब्लास्टर ऑफिशियल के नाम से ही, वहाँ पे जाके इसके छोटे छोटे क्लिप्स आती रहती हैं। कोई भी जो वीडियोस डलती है ना यूट्यूब पे मेरी उसकी आती रहती है, वहाँ पे जाके जरूर फॉलो कर लेना कि कई बार आप यहाँ पे बड़ी वीडियो स्किप करते हो तो वहाँ पे छोटे मोटी जो चीज़ें हैं अमेजिंग सी वो आपको दिखती रहे, है ना। और थोड़ी बहुत स्टोरी से हमारा लाइफस्टाइल भी पता लगता रहता है थोड़ा बहुत आपको। एंड बाकी दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँ रज्जत भाई की तो ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।